नमस्कार खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा चार्ज संभालने के साथ ही आए एक्शन मोड में, अब नहीं रोमियो की खैर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रतापगढ़ में किया शक्ति बंधन अभियान के तहत किया रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन। बारामऊआ गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, ग्राम पंचायत पर लगाया प्रधानमंत्री आवास व शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप। रिश्वत मांगने वाले लोक सेवकों के खिलाफ परिवादी निर्भीक होकर एसीबी में तुरंत शिकायत दर्ज कराई प्रेरणा शेखावत। नेशनल हाईवे पर पुलिस का कब्जा, जनता की डाह में पुलिस का रोड़ा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बारा जिले के नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा ज्वाइन करने के बाद से ही एक्शन मूड में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि स्कूल कॉलेज के सामने मंचलों द्वारा फक्तिया कसने वाले मंचलों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी। शहर की सड़कों पर स्टनर दिखाने वाले रोमियो के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि बारा में बेटियां हर जगह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस मुख्यालय व अधिकारियों के आदेश की सख्ती से पालना कराई जाएगी, प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर गंभीरता से काम किया जाएगा, साथ ही समय समय पर शहर में फ्लैग मार्च का पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के लिए भी सख्ती दिखाई जाएगी ताकि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपराधियों का किसी को भय न रहे, कानून व्यवस्था सख्त हो, इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय और उच्चाधिकारियों के जो दिशा निर्देश है उनकी अक्षरशः पालना कराई जाएगी और यहाँ के क्राइम की स्टडी करके उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग है उस पर गंभीरता से काम किया जाएगा। महिला मोर्चा द्वारा आयोजित रैली में नव मतदाताओं को शामिल किया गया। भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनैना हपावत ने बताया कि इस मैराथन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नारी को संगठित करना, मैराथन के माध्यम से केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही है योजनाओं से महिलाओं को जोड़ना है। हपावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जो लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है वो ग्रामीण क्षेत्र ही हर महिला के लिए एक वरदान साबित होगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी योजना से जुड़कर मुख्य धारा से जुड़ पाए। मैराथन का आगाज शहर के तिरंगा चौराहे से हुआ जो जिला चिकित्सालय जाकर संपन्न हुए। मैराथन में बालिकाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। इस कार्यक्रम में जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनैना अपावत, नगर परिषद सभापति रामकन्या गुज्जर, जिला उपाध्यक्ष कारी मीणा, जिला परिषद सदस्य सुमन मीणा, जिला मंत्री प्रशस्ति कुंवर, जिला मंत्री कुसुम बैरवा, नगर मंडल अध्यक्ष श्रद्धा पार्थ नवीन, छात्रवास निगरानी समिति के सचिव ज्योति खोईवाल, पीपल कुंटुलावा डाबरा की मंडल अध्यक्षता अनिता राणा, योग प्रशिक्षण उर्मिला गांधी, महिला मोर्चा की सदस्य नीलम शेखावत, नगर मंत्री माही वैष्णव संपत प्रजापत, नगर परिषद पार्षद नारंगी मीणा, पार्षद प्रीति शर्मा, एससी मोर्चा महिला अध्यक्ष कांता जाटिया सहित महिला मोर्चा की अनेकों कार्यकर्ता सम्मिलित हुई। संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। हम सभी ने आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने हमें एक सही राह दिखाई है। महिला शक्ति सशक्तिकरण जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही हम लोग उसके तरफ और अग्रसित हो रहे हैं। नारी शक्ति और आजाद और खुले विचारों से आगे बढ़ रही है, स्वतंत्र हो रही है। इसी मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोगों ने कॉलेज कॉलेज में जा जाकर नमो ऐप डाउनलोड करवाए और ताकि लोगों को जानकारी हो कि हम। बारा जिले के अंता पंचायत समिति के मऊआ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत पर नियम विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास सहित स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय में पात्र परिवारों के लाभ नहीं देकर अपात्र को लाभ देने का आरोप लगाते हुए कामों की जांच करवाकर भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को कलेक्टर पहुंचे मऊआ गांव के रामेश्वर मीणा आदि ग्रामीण ने बताया कि वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास सहित स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए शौचालय निर्माण में पक्षपात कर अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है जबकि पात्र व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं दिया। कई व्यक्तियों ने मकान भी नहीं बनाया और एक दूसरे के
चिलाकान के नाम पर पैसे उठा लिए। उन्होंने बताया कि वह तब से ही जिला कलेक्टर सहित जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शिकायत करते आए हैं, लेकिन भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने फिर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर संपूर्ण जांच के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राजस्थान में पेपर लीक माफिया पर हुई कार्रवाई का कांग्रेस ने स्वागत किया। पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खजरियावास ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी की तारीफ की है। उनका कहना है कि एसओजी अच्छा काम कर रही है, हमने सख्त कानून बनाया था, अब एसओजी इससे आगे जा रही है। वे लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्हें कुछ आता नहीं, लेकिन वे भर्ती हो गए हैं, यह अच्छी बात है। खजरियावास ने आगे कहा, अभी यूपी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था, इस तरह की कार्रवाई से राजस्थान यूपी सभी जगहों के माफियों को संदेश जाएगा और रिजर्व करने वाले लोग भर्ती होंगे। इस दौरान खजरियावास ने भाजपा पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग झूठ के जनरेटर हैं, उन्हें गलतफहमी है, वे हरिश्चंद्र है क्या? पेपर लीक के खिलाफ देश में हमारी सरकार ने सबसे सख्त कानून बनाया, अब केंद्र की सरकार हमारे कानून की नकल कर रही है। राजस्थान में भी भाजपा सरकार हमारी योजनाओं के भरोसे चल रही है, इन्होंने किया ही क्या है अभी तक? खजरियावास ने आगे कहा, भाजपा को आरोप लगाने की बजाय जांच करनी चाहिए, भाजपा की सरकार है, सभी पेपर लीक मामलों की जांच करानी चाहिए, हम किसी जांच से डरते नहीं हैं। भाजपा वालों को घमंड हो गया है, लेकिन घमंड किसी का नहीं टिकता है, भगवान राम भाजपा वालों को माफ नहीं करेगा। खजरियावास का ये बयान किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर पेपर लीक का आरोप लगाया है। मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गहलोत सरकार के कई मंत्री व विधायक भी पेपर लीक मामले में लिप्त हैं, सीएमओ की भी जांच होनी चाहिए, साथ ही आरपीएससी अध्यक्ष शिव सिंह राठौर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिन्दुस्तान के हर कोने में हम है मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। कोटा जिला के सुल्तानपुर पंचायत समिति सभागार में सोमवार को कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेरणा शेखावत ने बताया कि लोक सेवकों को अच्छा वेतन मिलने के बावजूद भी रिश्वत मांगकर परिवादी का शोषण करते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ आमजन को निर्भीक होकर कार्यवाही करना चाहिए। आमजन को भ्रष्टाचार रोकथाम व किसी भी भ्रष्ट लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगकर नाजायज परेशान करने पर निर्भीक होकर एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर सूचना दें। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस प्रणाली से भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने में सहयोग करें। इस मौके पर सीआई राजपाल सिंह तंवर, गोपाल वर्मा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुल्तानपुर, भाजपा नेता देवेश भारद्वाज, सोमेश सुमन, समाज सेवी नजाकत खान, अकेला शेख इरशाद सहित आमजन मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के नागौर सीट से उम्मीदवार घोषित की गई ज्योति मिर्धा ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह चुनाव मोदी जी का है, मेरी रड़क पीड़ा बाद में निकाल लेना। मिर्धा यही नहीं रुकी, जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हो सकता है कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को मेरी कोई छोटी मोटी रड़क निकालनी हो तो बाद में निकाल लेना, अभी तो एकजुट होकर मोदी जी को जिताओ। गौरतलब है, सोमवार को भाजपा से नागौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद ज्योति मिर्धा जिला बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पीएम मोदी को जिताने की अपील की, साथ ही कहा, मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव
लड़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत का एहसास है। लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताते हुए नागौर लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। कार्यकर्ताओं का सवाल है कि कांग्रेस में रहते हुए 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव हार चुके ज्योति मिर्धा को आखिर बीजेपी ने क्यों टिकट दिया है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता दबे स्वर ज्योति मिर्धा को नागौर सीट से टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। जनता की समस्याओं और चिंताओं को दूर करने वाली पुलिस इन दिनों जनता की राह में रोड़ा बनी हुई। दरअसल अलवर के हनुमान चौराहे से रामगढ़ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे 248A की स्लिप लाइन रोड पर पुलिस ने अपना चेक पोस्ट बना रखा है। बख्तल की चौकी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। इस पोस्ट की वजह से यहां आवागमन में परेशानी होती है। कई बार रात के वक्त यहां दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि इस चेक पोस्ट को शिफ्ट करने के लिए हमने संबंधित विभाग से जमीन मांगी है। उपयुक्त स्थान मिलने पर इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी से मिलने हेयर सैलून पहुंचे। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम सैलून में बैठे दिखाई दे रहे हैं और सैलून का कर्मचारी उनके बालों को सेट कर रहा है। सीएम भजन लाल ने जयपुर में कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा सोमवार को स्कूल उच्च तकनीकी एवं सांस्कृतिक शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के समान राज्य के विद्यालयों में भी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को भी हाई क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विद्यालयों में टीचर कठिन परीक्षा को पास कर नियुक्त होते हैं, उनमें विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने की पूर्ण क्षमता होती है। उन्होंने विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जिलाध्यक्षों की घोषणा मंगलवार को कर दी गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने तमाम जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं को दिया है, इसलिए वह अपने टारगेट को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर विपक्ष पर दबाव बना ही दिया है। पार्टी अपने संगठन और अनुषंगिक संगठनों को भी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले मजबूत कर लेना चाहती है, इसलिए पार्टी में रोजाना नई रणनीतियां बन रही हैं और उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस बार भाजपा ने अलग अंदाज में चलते हुए न सिर्फ जनता को बल्कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी चौंकाया है। चाहे हालिया विधानसभा चुनाव के बाद राज्यों के सीएम हो, उनके कैबिनेट हो या फिर संगठनों के पदाधिकारियों के नाम हो, हर नाम की घोषणा पर बीजेपी ने चौंकाया है। साथ ही ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि पार्टी हाईकमान जमीनी स्तर पर भी पूरी नजर रखता है और काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की ही पूछताछ होगी। पैराशूटी नेताओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा से भी यही मैसेज देने की कोशिश भाजपा ने की है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा चार्ज संभालने के साथ ही आए एक्शन रोल में, अब नहीं रोमियो की खैर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रतापगढ़ में किया शक्तिबंधन अभियान के तहत किया रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन। 12 महुआ गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, ग्राम पंचायत पर लगाया प्रधानमंत्री आवास व शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप। रिश्वत मांगने वाले लोक सेवकों के खिलाफ परिवादी निर्भीक होकर एसीबी में तुरंत शिकायत दर्ज कराई प्रेरणा शेखावत। नेशनल हाईवे पर पुलिस का कब्जा, जनता की राह में पुलिस का रोड़ा। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।